पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नांदेडमध्ये महायुतीचे उमेदवार प्रतापराव चिखलीकर यांच्या प्रचारार्थ सभा घेतली. यावेळेला त्यांनी मराठीतून भाषणाला सुरुवात करत प्रतापराव चिखलीकर योगेश कदमांना मोठ्या मतांनी विजयी करण्याचं आवाहन केलं. तर आजच्या प्रचारसभेत पंतप्रधानांनी काँग्रेससह इंडिया आघाडीवरती हल्लाबोल केला. इंडियातील 25% जागांवर एकमेकांमध्येच लढत सुरू आहे. 4 जून नंतर इंडियावाले एकमेकांचे कपडे फाडतील असा घणाघात मोदींनी केला. तर पहिल्या टप्प्यात मतदारांनी एकतर्फी मतदान करून इंडिया आघाडीला नकार दिल्याचंही मोदींनी सांगितलं. 25% सीटें ऐसी है इस देश के लोकसभा की जिसमें ये जो अपने आप का गठबंधन का क्लेम करते हैं वो आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को जेल में डालने की बातें कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. क्या ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं? क्या ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं? जो अंदर अंदर भरोसा नहीं कर सकते हैं उस पर आप भरोसा कर सकते हैं क्या? देश भरोसा कर सकता है? जो आज साथ होने के बाद भी 25% सीटों पर लड़ते हैं, तो अगर उनको थोड़ी सीटें पार्लियामेंट में मिल गई तो अंदर भी वो तूफान करेंगे. 4 जून के बाद इंडी गठबंधन आज जो 25% सीटों पर बिखरा है, लड़ाई अंदर अंदर लड़ रहा है, 4 जून के बाद वो 100% एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं, एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं. इसलिए ये इंडी अगाड़ी के लिए मुझे बताइए, कोई भी समझदार नागरिक इनके लिए वोट बर्बाद करेगा क्या? इंडिया अलायंस वालों को इस चुनाव में लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं. ज्यादातर सीटों पर इनके नेता प्रचार ही नहीं करने जा रहे हैं. और आप जानकर के हैरान हो जाएंगे, इस देश की करीब करीब 25% सीटें ऐसी हैं, 25% जहां ये इंडी अलायंस के लोग अंदर अंदर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं. कांग्रेस के जो शहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है. शहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है. जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको. अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे.